हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे MAR वर्सेस NFCC टीमों के बीच में जो फैनकोड ACS साइपर T10 का 39 नंबर मैच खेला जाएगा। इस मैच को हम इस वीडियो में डेप्थ के साथ एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो रहेगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर चेक कर लेना। इस मैच का वेन्यू रहेगा यप्पी सोन्स क्रिकेट ग्राउंड लिमोसोल में। यह मुकाबला आज दोपहर 1 बजे स्टार्ट होगा। अगर बात की जाए दोस्तों पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट है, और इस विकेट के ऊपर एक्स्ट्रा स्पोर्ट है वो पेसर गेंदबाजों को मिलता है। ओवर स्कोर की बात की जाए तो 19 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकती हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस मैच की जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल सजेशन रहेगा, आफ्टर टॉस व लाइनअप के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे। सिंपली आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हो। टेलीग्राम चैनल हो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एवं हेल्पफुल रहेगा। जो भी हमारी फाइनल समोली की टीम रहेगी, मेगा कॉन्टेस्ट GL टीम के कॉम्बिनेशन रहेंगे, साथ साथ दोस्तों ECS T10 मैचेस होती हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं रहता, लेकिन ऑफिशियल साइट से हम आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहां से ज्वाइन कर सकती हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी NFCC की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। NFCC की टीम ने इस सीजन 2 मैच प्ले किए, दोनों ही मैच है वो अपने लॉस करके आ रही है, और इस टीम की तरफ से कामरुल महमूद कंटिन्यू आपको ओपन करवा के दे रहे हैं। लास्ट मुकाबले में 31 बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 2 रन की इनिंग के लिए, और T10 में 20 की ओर से रन करवाते हैं। इंपॉर्टेंट पिक रहेगी दोस्तों, ओपन करवाने के लिए आएंगे तो समोली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हो। अब्दुल्ला अल तस्मीन ये कंटिन्यू आपको दोस्तों ओपन में बैटिंग करवा के दे रहे हैं, प्लस आपको 2 की कन्फर्म बॉलिंग डाल के देंगे दे रहे हैं। T10 में रिकॉर्ड देखो तो दोस्तों ओवरऑल T10 में 31 की ओर से रन करवाते हैं, प्लस आपको 2 की कन्फर्म बॉलिंग भी डाल के देंगे। तो तस्कीन आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तस्मीन कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हो। प्रवेद मिया लास्ट मुकाबले में नंबर 3 पे बैटिंग करवाती है, 2 बनाए प्लस 2 की बॉलिंग डालती है, 2 विकेट निकाले, सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 3 रन की इनिंग खेली। हालांकि दोस्तों प्रवेद मिया का तो बैटिंग में परफॉर्मेंस इस सीजन इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल T10 में 11 की ओर से रन करवाते हैं, प्लस आपको बॉलिंग भी डाल के देंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से कवर करके चल सकती हो। अनवर हुसैन ये दोस्तों एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए इस मैच में रहेंगे, लास्ट मुकाबले में 10 प्लस 2 विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में 4 बनाए प्लस 2 की बॉलिंग डाली, विकेट नहीं मिला, ओवरऑल T10 में 13 की ओर से रन करवाते हैं, प्लस आपको 2 की कंफर्म बॉलिंग डाल के देंगे, नंबर 4 पे आपको बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हूं। नाइम खान है दोस्तों, इस प्लेयर का ना तो बैटिंग ऑर्डर कंफर्म रहेगा ना बॉलिंग ऑर्डर कंफर्म रहेगा, तो नाइम खान को मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप ओनली GL ट्राई करके चल सकती हूं, लेकिन ओवरऑल T10 में 20 की ओर से रन करवाते हैं। एक और पिक आप मान के चाहो तो अपनी समोली की टीम में भी कवर करके चला, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये रिस्क की पिक रहेगी, इस मैच में आप ओनली GL ट्राई करके चल सकती हूं। कामरान अहमद है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा दोस्तों, इस प्लेयर का ना तो बैटिंग ऑर्डर कंफर्म रहेगा ना बॉलिंग ऑर्डर कंफर्म रहेगा, तो GL ट्राई करके चल सकती हूँ। अलवी चौधरी का भी बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, तो ड्रॉप करने का रिस्क अपनी टीम से काफी आसानी से ले लेना। रमजान हुसैन है, रिस्क की पिक रही दोस्तों, लास्ट मुकाबले में प्ले किया, बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मौका नहीं मिला, T10 में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकती हूँ। वहीं बात कीजिए दोस्तों अपनी टीम में, यहाँ पे मोरिनिल इस्लाम है, लास्ट मुकाबले में 1 रन की नाबाद इनिंग खेली, सेकंड लास्ट मुकाबले में 2 रन की बॉलिंग डालती हुई 1 विकेट निकाल के दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। 2 की कंफर्म बॉलिंग आपको डेथ के ओवरों में करवा के देंगे, तो समोली की टीम में इस मैच में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ। मानूम हवलदार है, 2 मैचेज प्ले किए, दोनों मैचेज में बैटिंग ऑर्डर नीचे रहे, फॉर्म भी अच्छा नहीं चला, तो ड्रॉप करके चल सकती हूँ। सौरभ अहमद आपको 2 की कंफर्म बॉलिंग डाल के देंगे दोस्तों, और वो भी ओपन की ओवरों में, T10 में 32 मैचेज में 10 विकेट निकाल के दे चुकी है, हालांकि दोनों मैचेज में विकेट 10 रहे, लेकिन इस मैच में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, सौरभ अहमद को आप समोली की टीम में जरूर से कवर करके चल सकती हूँ। बाकी दोस्तों NFCC की टीम की तरफ से अगर बैच में कोई भी अपडेट मिलेगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो केवल 100 लाइक का टारगेट है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और फाइनल टीम और फाइनल सजेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी एमएआर की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम ने इस सीजन 2 मैच प्ले किए, एक मैच वन किया है, एक मैच है वो लॉस किया है। इस टीम की तरफ से जिसन अहमद है वो आपको कंटिन्यू ओपन करवा के दे रहे हैं। लास्ट मुकाबले में 43 बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 21 रन की इनिंग खेली, प्लस एक ओवर की बाउंड्री विकेट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों ओपन में आपको कंटिन्यू बैटिंग करवा के दे रहे हैं, फॉर्म भी अच्छा चला है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। स्मॉली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। आमिर सोहिल भी आपको लास्ट मुकाबले में ओपन करवा के दिया, 26 रन की इनिंग खेली, प्लस दोनों मैचेज में एक एक ओवर की बोलिंग डाल के दी। लेकिन दोस्तों आमिर सोहिल को विकेट नहीं मिला, लेकिन ये मोस्टली आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के देंगे, प्लस एक से दो ओवर की बोलिंग आपको मिडिल के ओवर में डालते हुए नजर आ जाएंगे। एक ओवर इस पिक रहेगी, स्मॉली और ग्रालिक दोनों में ट्राई करके चल सकते हो। जिसन अली लास्ट मुकाबले में नंबर 3 पर बैटिंग करवाते हुए 22 रन की नहीं खेली। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर है वो इनका मिडिल ऑर्डर में रहेगा। एक ओवर इस पिक रहेगी, स्मॉली और ग्रालिक दोनों में ट्राई करके चल सकते हो। अबू बकार सिद्दू की है, लास्ट मुकाबले में 40 बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 7 रन की इनिंग खेल की दी। लेकिन दोस्तों सिद्दीकी का बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहेगा, तो आप ओनली जीएल कवर करके चला। स्मॉलिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हमजा रहमान है, दोनों मैचेज में आपको दो दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग डाल के दिए, लास्ट वाले मैच में एक विकेट निकाला, सेकंड लास्ट वाले मैच में विकेट लस रहे। लेकिन दोस्तों कभी कभार ये टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करवाने के लिए आ जाते हैं, ओवरऑल T10 में 10 की ओर से रन करवाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में रहेगी, स्मॉलिंग की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। नदीम कुमेर है, रिस्क की पिक रहेगी। आसिम सुलेरी आपको दोनों मैचेज में दो दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग डाल के दिए, फॉर्म भी अच्छा चला है, आपको ओपन के ओवरों में बॉलिंग करवा के देंगे, तो स्मॉलिंग की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। उमेर फारूक भी आपको दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग है वो आपको कंटिन्यू करवा के दे रहे हैं, फॉर्म भी अच्छा चला है, स्मॉलिंग की टीम में जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। राशभ शेर है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा, तो ड्रॉप करने का रिस्क भी आप अपनी टीम से काफ़ी आसानी से ले सकते हो। मोहम्मद उमेर है, लास्ट मुकाबले में प्ले करने के लिए आए दोस्तों, दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग आपको डेथ की ओवरों में करवा के दी और 3 विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट आएंगे, कवर करके चल सकते हो। ताजा मल है, वो लास्ट के दोनों मैचेज में आपको एक एक विकेट निकाल के दे चुके हैं। मोहम्मद तेजा मल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, मिडल सॉरी गाइस डेथ की ओवरों में बॉलिंग करवा के देंगे, तो स्मॉलिंग की टीम में आप डेफिनेटली कवर करके चल सकती हो। बाकी दोस्तों इस टीम की तरफ से एमएआर की टीम की तरफ से अगर बेंच में कोई भी अपडेट आती है तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और कुछ अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के रोटेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विकेट सेक्शन में। जिसन अली लास्ट मुकाबले में नंबर 3 पर बैटिंग करवाती है 22 रन की नाबाद इनिंग के लिए, सेकंड लास्ट मुकाबले में इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे रहा, लेकिन मोस्टली आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। एक ओवर इस पिक रहेगी, स्मॉली और ग्रालिक दोनों में ट्राई करके चल सकती हूँ। कामरल महमूद है, लगातार आपको ओपन में बैटिंग करवा के दे रहे हैं, ओवरऑल T10 में 20 की ओर से रन करवाते हैं, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, स्मॉलिक की टीम में आप जरूर से कवर करके चला। आर शेर हो गया, साथ साथ दोस्तों ए चौधरी हो गया, दोनों का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा, तो आप ड्रॉप करने का रिस्क अपनी टीम से काफ़ी आसानी से ले सकती हूँ। बात की जाए दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, गौरव अहमद है दोस्तों, दोनों मैचेज में आपको दो दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग है वो ओपन के ओवर में करवा के दी, हालांकि अभी तक विकेट नहीं मिला और बैटिंग का मौका भी नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों दो ओवर की कंफर्म बॉलिंग आपको ओपन के ओवर में कंटिन्यू करवा के दे रहे हैं। इस मैच में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, स्मॉलिंग की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ। आर हुसैन है, रमजान हुसैन, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा दोस्तों, बॉलिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहेगा, ओनली जीएल ट्राई करके चल सकती हूँ। वहीं बात की जाए दोस्तों एच अहमद, ये आपको मोस्टली टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के देंगे, प्लस बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके चल सकती हूँ। परवेज मियां कंटिन्यू आपको नंबर 3 पे बैटिंग करवा के दे रहे हैं, प्लस लास्ट वाले मैच में 2 विकेट भी निकाल के दिए, बैटिंग में हालांकि फॉर्म इतना अच्छा नहीं चला है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, स्मॉलिंग की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ। अब ए बकार सिद्दीकी है दोस्तों, लास्ट मुकाबले में नंबर 4 पे बैटिंग करवाती है 40 रन की इनिंग खेली, लेकिन इस प्लेयर का ना तो बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म रहेगा दोस्तों, बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं रहेगा, तो आप ओनली जीएल अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हूँ। जे अहमद है, जिसन अहमद कंटिन्यू ओपन करवा के दे रहे हैं, लास्ट मुकाबले में 43 बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 21 रन की इनिंग खेली, प्लस एक ओवर की बॉल डाली, विकेट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों जिसन अहमद का फॉर्म अच्छा चला है, बैटिंग में फॉर्म भी अच्छी चली है, जरूर से स्मॉलिंग की टीम में कवर करके चल सकती हूँ। बात की जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, अल अमीन तस्कीन है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी दोस्तों, ओपन में बैटिंग प्लस दो ओवर की कन्फर्म बॉलिंग डाल के देंगे, T10 में रिकॉर्ड काफी शानदार है, तो कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ। डब्लू अख्तर इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, टॉप ऑर्डर में बैटिंग
बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा के देंगे तो स्मॉली की टीम में जरूर से कवर करके इतना। ए हुसैन भी आपको दोस्तों देखो तो अनवर हुसैन नंबर 3 पे बैटिंग करवा के दे रहे हैं, प्लस आपको दौर की कंफर्म बॉलिंग भी डाल के देंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बढ़िया चॉइस रहेगी, जरूर से कवर करके इतना। ए सुलेले का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर जरूर से नीचे रहेगा, लेकिन दौर की कंफर्म बॉलिंग आपको कंटिन्यू करवा के दे रहे हैं, फॉर्म काफी अच्छा चला है, स्मॉली की टीम में आप कवर करके चल सकती हो। ए मोहम्मद उमेर की बात की जाए तो लास्ट मुकाल में इन्होंने दौर की बॉलिंग डालती हुई 3 विकेट जरूर से निकाल के दिए, डेथ की ओवरों में बॉलिंग करवा के देंगे, इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्मॉली और ग्रालिक दोनों में आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकती हो। बॉलिंग सेक्शन में बात की जाए के अहमद हो गया, साथ साथ दोस्तों टी ताजमुल हो गया, दोनों आपको दो दो की कन्फर्म बॉलिंग है वो डेथ की ओवरों में करवा के देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से, तो स्मॉली की टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। एम इस्लाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एन खान को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क अपनी टीम से ले सकते हो। हवलदार हो गया, साथ साथ दोस्तों फारूक, ये दोनों भी आपके लिए इस मैच में रिस्क ही रहेंगे। बाकी आप जो मैंने प्लेयर सेलेक्ट किया उन्हीं में से आप कवर करके चल सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात की जाए, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो दोस्तों फिलहाल के लिए अपनी स्मॉली की टीम में एल अमीन तस्मीन को कैप्टन और साथ साथ अवनीश चुलेरी को वाइस कैप्टन ट्राई करके चलाओ। आप चाहो तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी ट्राई करके चल सकते हो। सौरव अहमद भी आपके लिए इस मैच में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की, या आपको इस मैच में टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों तो आपको कन्फर्म करवा के दे रहे हैं, तो स्मॉली की टीम में आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में ट्राई करके चल सकते हो। अगर रिस्की लग रहा हो तो दोस्तों उसी कंडीशन में ट्राई करके चला, क्योंकि दोनों मैचेज बुरी तरह से फ्लॉप रहे, दोनों मैचेज में एक भी विकेट नहीं निकाल के दिया, लेकिन ओपन के ओवरों में बॉलिंग करवा के देंगे तो जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। डब्ल्यू अख्तर भी दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा के दे रहे हैं, फॉर्म भी अच्छा चला है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से ट्राई करके चला। टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखो तो हमारा फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है, जो भी फाइनल टीम रहेगा आफ्टर टॉस व लाइनअप के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।